भाभी आए उससे पहले मैं निकल जाती हूँ। हाँ अरे दीदी ये आप अपना फोन भूल गए थे। भाभी मैंने आपको कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह अपना ये मनुष्य चेहरा मेरे सामने मत लेकर आया करो, पर हर बार आप सुनते ही नहीं हो। भैया को तो खा गए, अब क्या मुझे भी मारना चाहते हो? दो मेरा फोन। माँ लाओ अपना हाथ दो, मैं आपको नेल पॉलिश लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा मैं नहीं लगा रही। अरे दो ना माँ। भाभी आपको पता है ना कि अभी भैया को गए हुए एक साल ही हुआ है, फिर ये नेल पॉलिश लगाकर किसे दिखाना है? ये तो अच्छा हुआ कि किसी बाहर वाले ने नहीं देखा, वरना पता नहीं क्या होता। अरे सावित्री कैसी हो? और ये क्या तुमने अपना ये क्या हार बना रखा है? कम से कम बिंदी तो लगाया कर। रुक एक मिनट मैं लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी मैं ऐसी ठीक हूँ। अरे ये क्या बात हुई, चल लगा बिंदी। अब देख कितनी सुंदर लग रही है तू। अच्छा चल अब मैं चलती हूँ। जी चल बेटा। अरे वो देख सावित्री जा रही है। अरे अरे ध्यान से देख उसने बिंदी भी लगाई है। बाप रे बाप पति को मरे अभी एक साल भी नहीं हुआ और ये अपने रंग दिखाने लग गई। हाँ हाँ सही कहा तूने, घोर कलयुग है भाई घोर कलयुग। हाँ पर हमें क्या, इसे जो करना है वो करे। चल हाँ, यहाँ से चल। और विकास भैया कैसे आना हुआ? अरे अपनी लक्ष्मी की शादी है उसी का न्योता देने आया हूँ। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है, हम पूरा परिवार आएंगे शादी में। हाँ पर वो सावित्री को मत लाना, देख तुझे भी पता है कि उसका पति नहीं है, ऐसे में शुभ कार्य में आएगी तो अशुभ हो जाएगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि वो आए ही ना। हाँ हाँ भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं भाभी को नहीं लाऊंगी। देखिए बहन जी ये वाली साड़ी सबसे अच्छी है, ये लीजिए। अरे हाँ ये साड़ी तो सच में बहुत अच्छी है। हाँ मम्मा ये साड़ी तो आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ तो बहन जी ऐसी और साड़ी बताइए। इनके पति नहीं है, इनके लिए सफेद साड़ी दिखाओ, ऐसी रंग बिरंगी नहीं। हाँ हाँ अभी बताती हूँ। ये देखिए ये लीजिए। ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी। बैठो। अरे नहीं बेटा मैं नहीं बैठ रही। अरे माँ आओ ना। अच्छा ठीक है। मम्मा ये लो। भाभी आपकी लाइफ में अब भैया नहीं रहे तो ये टीवी देखना टेस्टी खाना खाना ये सब आप पर शोभा नहीं देता, इसलिए इन सब का मोह छोड़ दीजिए।
माँ आप कितने अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल पहले की तरह। अरे रुको माँ, आप इसे मत हटाओ। पर बेटा। अरे माँ मुझे 2 मिनट देखने तो दो। हैप्पी होली माँ। पिंकी तू कितने मस्तीखोर हो गई है, आज के दिन तो चलता है ना। तू भी ना। ये सब क्या है, आपको पता है ना ये लाल साड़ी, ये सजना सवरना, ये सब आपके लिए नहीं है, फिर ये सब क्यों? अरे जब आपकी जिंदगी में कोई रंग नहीं रहा तो ये होली के रंगों से खेलकर आप क्या करोगे? भाभी भैया के जाने के साथ ही आपकी सारी खुशियां भी चली गई है, ये आप कभी मत भूलना। भाभी भैया के जाने के साथ ही आपकी सारी खुशियां भी चली गई है, ये आप कभी मत भूलना। माँ। हाँ बेटा। पहले के जमाने में सती प्रथा हुआ करती थी ना। हाँ बेटा पर अब ऐसा नहीं है। हाँ अब सती प्रथा तो नहीं है, बस सबने ताने मारकर जीना मुश्किल करके रखा है। हाँ बेटा तू ये सब छोड़ और पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ना मैं अच्छा कुछ पहन पाऊंगी और ना ही कुछ अच्छा खा पाऊंगी, कोई त्योहार भी नहीं मना पाऊंगी, अरे किसी फंक्शन में भी नहीं जा पाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। अरे बेटा ऐसा नहीं है। माँ ऐसा ही है, सब लोग आपको कितना ताना मारते हैं, चैन से जीने भी नहीं देते, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सीमा ये तुम अपनी भाभी के साथ कैसा व्यवहार कर रही हो? भैया आप? हाँ मैं। सीमा मेरे जाने के बाद तुम्हें अपनी भाभी के साथ प्यार से रहना चाहिए था, उनकी हिम्मत बनना चाहिए था, पर तुमने क्या किया, हर वक्त उन्हें ताने मारे, उनकी हिम्मत तोड़ी। जीना मरना ये सब प्रकृति का नियम है, जो एक बार इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना तो है ही, कोई जल्दी मरता है तो कोई देर से, इसमें हम किसी को दोष कैसे दे सकते हैं। जिंदगी एक बार मिली है तो खुशी से जियो, खुद खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। और हाँ ऐसी गलत सोच अपने दिमाग में से निकाल दो कि पति के जाने के बाद पत्नी का खुश रहने का कोई हक नहीं होता, वो अपशकुन होती है, उसे भी अपनी जिंदगी खुलकर जीने का पूरा हक है और उससे ये हक मत छीनो। हाँ भैया आपने बिल्कुल सही कहा। भैया भाभी मैंने आपको कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह अपना ये मनुष्य चेहरा मेरे सामने मत लेकर आया करो, फिर ये नेल पॉलिश लगाकर किसे दिखाना है? इनके पति नहीं है, इनके लिए सफेद साड़ी दिखाओ, ऐसी रंग बिरंगी नहीं। ऐसे में शुभ कार्य में आएगी तो अशुभ हो जाएगा। आपकी लाइफ में आप भैया नहीं रहे तो ये टीवी देखना, टेस्टी खाना खाना, ये सब आप पर शोभा नहीं देता। अरे जब आपकी जिंदगी में कोई रंग नहीं रहा तो ये होली के रंगों से खेलकर आप क्या करोगे? ये मैंने क्या किया, मैं भी तो एक औरत हूँ और एक औरत होकर अपनी भाभी का दर्द नहीं समझ पाई, ये मैंने बहुत गलत किया। भाभी हैप्पी होली। अरे ये रंग, मैं होली थोड़ी खेल सकती हूँ। किसने कहा कि आप होली नहीं खेल सकती? भाभी भैया के जाने के बाद मैंने कभी आपसे ठीक से बात नहीं की, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज भाभी मुझे माफ कर दीजिए। अरे दीदी आप माफी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलो होली खेलते हैं। हाँ